मेरे बच्चे, क्यों उदास हो? तुम्हें लगता है कि तुम अपनों को खुश नहीं रख पा रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो तुम्हारे बस में है वो तुम सब कर रहे हो। तुम इस बात पर ध्यान मत दो कि किसी को खुश नहीं रख पा रहे हो। सबको खुश रखना बहुत मुश्किल है, इंसान तो कभी खुश होता ही नहीं। बस तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी किसी हरकत से किसी का दिल ना दुखे। और मेरे बच्चे, मैं भी तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। जब परिवार का कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है तो उसका पूरा परिवार मेरी जिम्मेवारी बन जाता है। तुम मेरी शरण में हो तो तुम्हारा सारा परिवार मेरी जिम्मेवारी है। तुम चिंता मत करो, मैं सबकी देखभाल करूँगा। जब कोई परेशानी आती है ना तो हमेशा के लिए नहीं आती, इसलिए जब बुरा वक्त आए तो श्रद्धा और सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। इससे वक्त बहुत आसानी से गुजर जाता है, क्योंकि श्रद्धा तुम्हें हिम्मत देती है उम्मीद का दामन थामे रखने की, और सबूरी तुम्हें एक शक्तिशाली इंसान बनाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत ही सवाल है, पर अब तुम्हें उन सवालों के सब जवाब मिलेंगे। तुम बस अपनी उम्मीद मत टूटने देना, बस अब थोड़ी सा सफर और बाकी है, तुम मंजिल के करीब हो। मेरे बच्चे, कभी भी दुख या परिस्थिति में मत घबराओ, यही समझकर मुस्कुराते हुए नाम जाप करते हुए आगे बढ़ो कि बाबा ने ये स्थिति दी है तो वही निकालेंगे भी इससे, और मेरा भला ही करेंगे। भरोसा रखो सदैव मुझ पर, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मेरे आशीर्वाद का इंतजार करो, मेरी लीला का बहुत जल्दी अनुभव करने वाले हो। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। तुम बहुत जल्दी मंजिल तक पहुँचने वाले हो। पैसे की कमी है तो उसकी व्यवस्था मैं कर दूँगा, किसी न किसी को भेजूँगा। तुम सबसे प्रेम से मिला करो, ना जाने कौन व्यक्ति भगवान के रूप में आकर तुम्हारी मदद कर जाए। इसलिए सबसे प्रेम करो, खुश रहो मेरे बच्चे।